माजी में अपनी ताकत और पहलवानी के जौहर दिखाकर दुनिया को हैरान करने वाला सावन शहजाद मुसलसल बीमारी और लाचारी के आलम में आज हमारी बेहसी पे हैरान है। खुद पर ट्रैक्टर और गाड़ियों को गुजार के पैकअप्स को बालों और दांतों से खींचने वाला रुस्तम पहलवान खतरनाक बीमारियों की वजह से बिस्तर तक महदूद होकर रह गया है। गुर्बत ने दो वक्त की रोटी छीन ली है। सरकारी इदारों ने माजी के पहलवान व रिटायर्ड टीचर की किसी दरख्वास्त पर ध्यान नहीं दिया है और ना ही साहिब हैसियत को बेबसी नजर आई। सावन शहजाद पहलवान के साथ एक ईमानदार टीचर भी था जो उर्दू का अच्छा शायर भी था। सावन शहजाद की उम्र बढ़ने के बाद उसने रिटायरमेंट ले ली और सेहत खराब होने की वजह से कर्तबबाजी भी छोड़ दी। गुज़िश्ता कुछ सालों से सावन शहजाद रीढ़ में दर्द और दीगर बीमारियों में मुब्तला होकर अपने घर तक महदूद हो गया है। सावन शहजाद की 4 बेटियां और 2 बेटे जबकि सिर्फ 11,000 पेंशन है जिसमें से 4,000 से ज्यादा इलाज भी खर्च हो जाते हैं। पेंशन के कम पैसों से ना अपने घर वालों को अच्छा खाना खिला सकता है ना अपनी बीमारियों का इलाज करवा सकता है। सावन शहजाद तो सरकारी इदारों और बड़े लोगों का शिकवा भी इसलिए नहीं करता कि उनकी नाराजगी किसी और तकलीफ का बायस न बन जाए। रिपोर्ट सलीम मल्ला के मुताबिक उसने इमदाद के लिए सरकार को कई बार दरख्वास्तें भी की हैं और अब टीवी की तौसत से भी सरकार से माली इमदाद व इलाज किया।